इस वीडियो में हम लोग थोड़ा मायोपिया के एडवांस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मेन प्रिंसिपल अभी भी वही है, ठीक है। ये जो सारे एडवांस टॉपिक जिसपे मैं बात करने वाला हूँ वो सब मेन प्रिंसिपल के ही रिजल्ट हैं, मेन प्रिंसिपल से ही निकल के आते हैं, ठीक है। कैसे वो मैं समझाता हूँ। मेन प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। मेन प्रिंसिपल यही है कि धूप में अच्छी रोशनी में दूर की चीजें देखनी है बिना चश्मे के, एक घंटे के आसपास देखनी है, ठीक है। मतलब अच्छा खासा समय देना है धूप में दूर की चीजें देखने के लिए। अब मेन प्रिंसिपल से दूसरी एडवांस चीजें कैसे निकल के आती हैं, तो जो पहली एडवांस चीज मैं बोलता हूँ वो ये है कि पास की चीजें अगर आप बिना चश्मे के देख पा रहे हैं, ये फोन मोबाइल है जैसे, अगर ये चश्मे के बिना अगर आप पढ़ पा रहे हैं अच्छे तरीके से, मतलब नॉर्मल डिस्टेंस पे, तो चश्मा मत पहनिए इसके लिए। ये चीज कैसे मतलब आती है, ये मैं खुद से बना के तो नहीं बोल रहा हूँ। तो अगर आप ये पहली चीज करेंगे, मेन चीज धूप में अच्छे तरीके से, मतलब एक महीने लगातार अगर आप करेंगे तो अपने आप आपकी आंखें सिग्नल देंगी, आपकी आंखों में स्ट्रेस महसूस होगा। अगर आप चश्मा पहन के पास की चीजें देखेंगे तो स्ट्रेस महसूस होने लगेगा, ठीक है। तो ये चीज वहां से ही, ठीक है। दूसरी चीज हम लोग बोलते हैं कि अपना चश्मा थोड़ा सा कम करके पहनिए, ठीक है। अब ये कम करने वाला पार्ट कहाँ से है, हाँ। तो ये जैसे मान लीजिए आपका पावर अगर बहुत ही ज्यादा है, ठीक है, 1 डायोप्टर या उससे भी ऊपर है, तो सीधी बात है कि आप मतलब धूप में तो बिना चश्मे के देख पा रहे हैं थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे बहुत है, लेकिन बाकी दिन तो धुंधला दिखता है ना। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ ना खराब हो, ठीक है। आप अपना मतलब क्या है, लाइफ जो है नॉर्मली जी पाए, उसके लिए आप थोड़ा सा कम डायोप्टर का चश्मा पहने, उससे आपकी आंखों को टारगेट मिलता रहेगा इम्प्रूवमेंट का, ठीक है। थोड़ा सा कम रहेगा तो भी, लेकिन आपकी आंखों के लिए टारगेट बना रहेगा इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक। तो ये चीज कैसे करें, तो जैसे मान लीजिए आपका पावर है -2.5 डायोप्टर स्फेरिकल और -1 डायोप्टर सिलेंडर, ठीक है। अगर आपका पावर ये है तो आप स्फेरिकल में पहन सकते हैं -2.25 डायोप्टर या उससे कम, जो आपको अच्छा लगे, जो आपकी आंखों को अच्छा लगे। ये मतलब आपकी आंखें अपने आप आपको सिग्नल कर देंगी, पावर अगर बहुत ज्यादा हुआ तो भी आपकी आंखें सिग्नल कर देंगी, ठीक है। पावर अगर बहुत कम हुआ, माइनस जैसे एक ही बार में बहुत बड़ा घटा दिया, -1.5 पहनने लगे अगर आपका पावर -2.5 है तो भी मतलब अजीब सा लगने लगेगा, ठीक है। बहुत ज्यादा कम करके भी नहीं पहनना है, मतलब थोड़ा सा ही कम करना है, ठीक। तो धीरे तो आप एक टारगेट सेट करेंगे, आपकी आंखें नए टारगेट पर एडजस्ट हो जाएंगी, ठीक, कुछ दिन बाद, और फिर आप अपना पावर दोबारा कम कर लेंगे जब ये हो जाएगा तो, समझ में आएगा। उसी तरह स्फेरिकल शुरू में, मतलब स्फेरिकल नहीं सिलेंडर जैसे -1 डायोप्टर है तो आपका जो कम वाले चश्मे का पावर है वो उसमें -0.5 डायोप्टर होना चाहिए, सिलेंडर आधा डायोप्टर घटा दीजिए। लोग सिलेंडर फुल डायोप्टर पहनते हैं तो उससे आंखों में बहुत अजीब सा दर्द होने लगता है, अजीब सा लगता है, स्ट्रेस महसूस होता है, इसलिए सिलेंडर अगर आप आधा डायोप्टर पहनेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, आधा डायोप्टर कम करके पहनिए। -1.5 डायोप्टर का सिलेंडर है तो आपको पहनना है -1 डायोप्टर का सिलेंडर, एक्सिस सेम, एक्सिस में कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। एक्सिस तभी चेंज करिए जब आपकी आंखों की जांच में आए कि हाँ एक्सिस चेंज हुआ है, ठीक है। और एक्सिस में सिंगल डिजिट का चेंज मतलब बहुत ज्यादा मैटर भी नहीं करता है, ठीक है। आप अपने जैसे चश्मे क्या बोलते हैं मशीन की पर्ची उठा के देखेंगे तो उसमें बहुत एक्सिस में सिंगल डिजिट चेंज तो मतलब नॉर्मल है, तो आपको उससे उसकी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपना पूरा ध्यान चश्मा कम करने में लगाइए, ठीक है, बाकी चीजें अपने आप आएंगी। जैसे ये चश्मा कम पहनने वाला भी आता है कि जब
अगर आप ये दूर की चीजें देखने वाला प्रोग्राम 1-2 महीने करेंगे तो अपने आप आपको लगेगा कि ये जो प्रेजेंट आपकी आंखों का पावर जब घट जाएगा तो आपका प्रेजेंट चश्मा आपको लगेगा कि बहुत ही ज्यादा हैवी है या चश्मे पहनने में मतलब स्ट्रेस महसूस हो रहा है, ठीक है, तो वो पावर घटने की वजह से होता है। ठीक, बिल्कुल जिम जैसा है सब कुछ। उसी तरह मतलब शुरू शुरू में अगर जो ये चीज जो लोग ये चीज फॉलो कर रहे हैं उनका शुरू शुरू में सिलेंडर थोड़ा सा बढ़ जाता है, जैसे मेरा सिलेंडर अभी -1 था तो -1.25 बढ़ गया है। ऐसा क्यों होता है? तो ये आंख जो आपकी एरर है एरर मैग्नीफाई करती है रिड्यूस करने से पहले, ताकि पता चले कि एरर क्या है, ठीक है। तो आपका सिलेंडर पहले हल्का सा बढ़ेगा फिर डाउन आएगा। ये सब पे लागू होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर आपको भी मायोपिया है, सिर्फ और सिर्फ मायोपिया, मैं किसी और बीमारी के बारे में नहीं जानता, सिर्फ मायोपिया है, तो आपको पता चल गया है कि 24 घंटे में क्या क्या करना है। दिन के एक दिन के 24 घंटे होते हैं, उसमें 24 घंटे आपको क्या क्या करना है, ठीक है। तीन चीजें हैं, पहली है मतलब धूप में 1 घंटे देना है, लगभग 1 घंटे, जैसे जिम में आप जाते हैं, ठीक है। अक्सर लोग 45 या 1 घंटे के बाद थक जाते हैं, तो उसी तरह आपकी आंखें भी 45 या 1 घंटे बाद मतलब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, फीलिंग आ जाएगी कि मतलब ठीक है आज के दिन के लिए हो गया है। तो पहली चीज तो धूप में देखने वाली दूर की चीजें करनी है। दूसरी चीज है वो पास की चीजें बिना चश्मे के देखनी है। अगर बिना चश्मे के दिख रही है तो चश्मा मत पहनिए, उससे और चश्मा बढ़ेगा, मायोपिया और बढ़ेगा, घट नहीं सकता है। वो करनी है, वो मायोपिया मेंटेन करने के लिए होता है। और तीसरी चीज है बाकी दिन जब आप ये सब चीजें ना कर रहे हो तब आप कम डायोप्टर का चश्मा पहनिए, ठीक है, ताकि टारगेट मिलता रहे। कुछ दिन बाद आपकी आंखें उस टारगेट पे एडजस्ट हो जाएंगी तो वो आपका प्रेजेंट चश्मा जो है उसको फिर से जाके कम करा लीजिए। इस तरह कम कम करते करते आपका मायोपिया कम हो जाएगा, ठीक है। मायोपिया में आपको ज्यादा बचा नहीं है, मतलब यही तीन चीजें पर्याप्त हैं किसी भी मेरे हिसाब से किसी भी व्यक्ति को ना मायोपिया कम करने के लिए, ठीक है। और बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।